तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले के बाद महाराष्ट्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की कवायद हुई तेज। गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे हमारे ही राज्य में आना चाहिए। बीजेपी नेता नीतीश राणे सकल हिंदू समाज की महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। सभी जिलों से हमारी ये बहनें आज हमारे विधानसभा में आए थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के तर्ज पर जल्द बनेगा कानून। लव जिहाद विरोधी कायदा ये लाना चाहिए। तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले के बाद महाराष्ट्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की कवायद हुई तेज। बीजेपी नेता नीतीश राणे सकल हिंदू समाज की महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के तर्ज पर जल्द बनेगा कानून। क्या कहा नीतीश राणे ने, आइए देखते हैं। हमारे महाराष्ट्र में धर्मांतर विरोधी कायदा गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे हमारे ही राज्य में आना चाहिए। इसके लिए राज्य भर में बहुत बड़े पैमाने पे जो हिंदू समाज के मोर्चे निकल रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ये हमारी सारी जिले में और महाराष्ट्र के सभी जिलों से हमारी ये बहनें आज हमारे विधानसभा में आए थे। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करके हमारे महाराष्ट्र में धर्मांतर विरोधी कायदा मतलब लव जिहाद विरोधी कायदा ये लाना चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की है। सकल हिंदू समाज के माध्यम से ये उन्होंने मांग की है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही पॉजिटिवली इसके बारे में सोचेंगे और महाराष्ट्र में जल्द से जल्द धर्मांतर विरोधी कायदा लाएंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने हमको दिया है। आपको बता दें कि जब से तुनिशा शर्मा ने खुदकुशी की है उनके परिवार के लोग लगातार शिजान मोहम्मद खान पर लव जिहाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को इस मामले में लव जिहाद के एंगल से भी पूछताछ करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पुलिस लगातार कई लोगों से इस मामले में पूछताछ कर रही है, शिजान मोहम्मद खान से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन शिजान बयान पलट रहा है। हालांकि शिजान मोहम्मद खान ने आफताब श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र किया है, धर्म के फासले का भी जिक्र किया है। उसने ये बताया कि मैं मुस्लिम था, तुनिशा हिंदू थी, ये सब चीज़ें ब्रेकअप का कारण उसने बताया है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और जाँच कर रही है। इसमें लव जिहाद का दिख रहा है मामला, क्योंकि पूरी तरीके से अपने हिसाब से शिजान करने की कोशिश कर रहे थे तुनिशा को। आप क्या कहना चाहोगे, आपने भी आरोप लगाए? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, तुनिशा की मदर, हमारी पूरी फैमिली शुरू से कह रही है कि हर एंगल से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता। हमें जब बॉडी मिली तो वो हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल का भी के डॉक्टर का भी ये कहना है कि जब यहाँ बॉडी आई उसके आधे घंटे पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसकी डेथ कैसे हुई, इसका कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कुछ भी नहीं है। तो उसके कमरे में कौन था, कौन नहीं था, तो इस चीज़ की जांच हर एंगल से होनी चाहिए। पवन जी, पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर ने बताया वो रोज़ जाती थी, तुनिशा से मिलती थी, वो बहुत ज़्यादा टेंस लगती थी, डिप्रेशन में लगती थी और दोनों के बीच में अनबन भी दिखाई देती थी सेट पे। आपको कुछ इसके बारे में पता है या उनकी मॉम को? जी, तुनिशा ने अपनी मदर को ये बताया था कि जीशान उसे चीट कर रहा है, उसके होते हुए उसकी लाइफ में पहले से और भी लड़कियाँ थीं जो उसने उसे कभी नहीं बताया। जब तुनिशा को ये पता चला तो उनके बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ ये पुलिस ही सामने लाई। लंच के दौरान कुछ 15 मिनट में कोई झगड़ा हुआ था जिसके बाद मुझे नहीं, मैं दोनों के बीच काफी बातचीत हुई और उसके बाद ही मुझे लगता है एक बार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने दीजिए, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। जो चैट लीक हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि सीक्रेट कोई गर्लफ्रेंड है उससे, वो घटना के दिन भी बात कर रहा था उस पे, क्या उसको मेरे ख्याल से वो 15 मिनट में वो चैट दिख गए हैं, इस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया उसने, आपको क्या लगता है? चैट तो उसको बहुत पहले दिख गए थे, जब उन लोगों का ब्रेकअप हुआ था तो चैट उसको तभी दिख गए थे। और जो उनकी बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, बीच में हिजाब पहन के भी तुनिशा ने फोटोज खिंचवाए हैं, वायरल हो रहे हैं। और ये भी उसके एक वीडियो में उसने बोला है, हमारा इंटरव्यू है जिसमें, कि सबसे पहले सेट पे आती है तो शिजान को देखती है, वो अगरबत्ती जलाती है जो लेह लद्दाख से शिजान लेके आया। ये सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो, क्या उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे? इसीलिए मैंने कहा कि हर एंगल से जाँच होनी चाहिए, क्योंकि हम भी सेट पर नहीं रहते थे और तुनिशा सेट से फिर उनके घर चली जाती थी,
उसकी बहनों के साथ और मदर के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताती थी, जितना टाइम वो अपनी मदर के साथ भी नहीं बिता रही थी। तो ऐसा अचानक से क्यों हो रहा था? तो इसलिए हर एंगल से जांच होनी चाहिए। क्या कन्वर्जन को लेकर कोई इश्यू है? देखिए, पुलिस खुद सामने लाएगी। हमारे साथ हैं एडवोकेट तरुण शर्मा, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है तुनिशा शर्मा की फैमिली को। वो सब डिटेल्स उनसे हम पूछेंगे। क्या कुछ हुआ आज, जैसे कि 2 दिन की रिमांड मिली, क्या कुछ दलीलें पुलिस ने दी और आप लोग ने कैसे अपने पक्ष को रखा? पुलिस ने आज जो रिमांड मांगी थी उसमें 9 ग्राउंड्स डाले थे, जिसके कारण उनको रिमांड की आवश्यकता थी। उनमें से महत्वपूर्ण के 3 ग्राउंड थे। पहला ग्राउंड ये था कि शहजाज के और भी लड़कियों के साथ संबंध है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड था कि चैट्स और मैसेजेस जो उनके बीच के थे वो सारे आज रिवील किए गए। तो करीबन 300 पेजेस के चैट निकले हैं, जिस चैट को पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी रिवील करके उनको जानकारी लेके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण ये था कि शहजाज ने सुसाइड के कुछ घंटे पहले, ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ घंटे पहले या कुछ दिनों पहले, मैसेजेस बहुत सारे थे जो डिलीट्स किए गए, जो कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट किए, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने समय मांगा। तरुण जी, एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी बात हो रही है, उससे भी ये बताया जा रहा है कि खुशी के कुछ घंटे पहले वो चैट्स चल रहे थे, वो डिलीट किए हैं, वो रिट्रीव करने की पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस ने तो जहाँ तक मुझे मालूम है, पुलिस ने आज की रिमांड में ये लिखा है कि वो सारे चैट्स रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक या 2 चैट्स नहीं कर रहे, वो सारे चैट्स कर रहे हैं। तो उसमें शायद अगर उसकी गर्लफ्रेंड है, मदर है, जिसके साथ भी जो भी बात हुई है, वो सारी रिट्रीव करें। तुनिशा का फ़ोन क्या खुल पाया, क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, कुछ उससे कुछ मिला है? अभी तक मेरे हिसाब से वो खुला नहीं, क्योंकि वो आईफोन है था, तो उसको खुलना इतना ईजी नहीं होता जहाँ तक मुझे मालूम है। टेक्नो फ़ोन है वो। तरुण जी, लगातार ये बात उठ रही है, लव जिहाद वाला एंगल हर कोई उठा रहा है, फैमिली के लोग भी उठा रहे हैं इसमें, क्योंकि कई ऐसे फोटोज़ हैं, कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें हिजाब पहने हुए तुनिशा दिखाई दे रही है। ये भी पता चला है, तुनिशा ने हमारे ही इंटरव्यू में बोला था कि वो जब सेट पे आती तो सबसे पहले शिजान को देखना पसंद करती हैं, कि अगरबत्ती वो खास लेह लद्दाख से जो लाई हैं वो सेट पे जाना पसंद करती हैं। और उनकी बहनें शफक और फलक और उनकी माँ के साथ ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करती थी, सेट से डायरेक्ट उनके घर चली जाती है। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जैसे पीड़िता की माँ का बोलना था कि तनिशा का इतना अच्छा रिलेशन्स था उनकी बहन के साथ, उनकी माँ के साथ, शहजान के साथ, खुद के साथ, फिर ये घटना जो घटी है, तो ये एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये रिलेशनशिप दिखाने के थे। तो इस पर जिस प्रकार से बहुत सारी आवाज़ अलग अलग प्रकार के लोगों से उठ रही है, तो हमारा भी ये बोलना था कि इन्वेस्टिगेशन जो सारे पहलू की हो, एक पहलू की ना हो कि सिर्फ सुसाइड ना समझाए, उसको मर्डर समझाया जाए, कि प्री प्लान था जो भी था उसके ऊपर इनकी इन्वेस्टिगेशन। कहीं आपको धर्म परिवर्तन वाली बात भी दिखाई दे रही? सर, अभी तक मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, अगर आपको दिखा होगा तो आपको पता होगा, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं जरूर कोर्ट और पुलिस के सामने ये बातें लाऊंगा। जी जी। और अभी आप लोग किस तरीके से आगे इसको देखते हैं, कैसे आप मामले को और आगे मजबूत रखने की कोशिश करें? अभी हम हमारे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को, जैसे आप हो वैसे हम भी, हमारी इन्वेस्टिगेशन, मेरे पास जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं अभी नहीं, जिस समय आएगा जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा कोर्ट को भी, क्योंकि मुझे भी कुछ सिद्ध करना होगा, मुझे ये सिद्ध करना होगा कि मेरी क्लाइंट ने सुसाइड नहीं किया, उसको उकसाया गया कि वो सुसाइड करे। जी जी जी। और वो पिछले 15 दिन से, क्योंकि हमारी टीम लगातार तनिशा से टच में रहती थी, हर दिन वहाँ पर सेट पर जाती थी, वो मानसिक तौर पर परेशान दिखती थी और वो टेंस भी दिखती थी, और इवन 2-3 दिन पहले वो लड़ाई झगड़े भी अनबन दिखाई दे रहे थे। उन 15 मिनटों में आपको लगता है कि कुछ ऐसा चैट या कुछ ऐसी चीज़ देख ली उसने जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने? अभी क्या है वो, ये विषय पे मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स होने बाकी है, सबके स्टेटमेंट्स हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में वो सब रिवील हो जाएगा। इस खबर पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस समय कैमरामैन जितेंद्र के साथ मुंबई से आशीष तिवारी।